since Himanshu made it happen from our Himanshu, the first one. Himanshu, and your love for I love the joke. Chitti Romo! Oh my god, oh my god, Chitti! Oh my god, I'm sorry. One second. Wow. Like a kid? Chitto! Oh my god. Oh my god. Guys, we'll give you this back when you cut. The oh God, only like yeah. Oh. Four of them. They're all the same. So. Okay, let's begin. Yes. Chalo. सबसे पहले आप लोगों को happy women's day की night. आपको भी happy. आपको भी. आप सबको. Thank you. So women's day की बात कर रहे तो आप सबके life में मतलब special ऐसा क्या है कि women's day celebrate करते हैं हर साल.
Actually, मैं women's day नहीं celebrate करती, मैं तो हर रोज women's day celebrate करती हूँ. And women's day का मतलब जो celebration का वो ये भी है कि आप हर लड़की को celebrate करें. You know, life में हम बहुत सारे choices लेते हैं as a woman, you know, कि मुझे ये करना है ये नहीं करना, पर उसका मतलब ये नहीं होता है, जो मैंने देखा है बहुत लोगों में, कि अगर कोई दूसरा इंसान कोई चॉइस कर रहा है तो वो गलत है या उसको आप जज करें बैठ के. मुझे एक्चुअली बहुत गर्व होता है कि मैं वो ब्रेक करती हूँ थॉट. अगर कोई किसी के बारे में गॉसिप या बिचिंग करता है तो मैं बोलती हूँ यार प्लीज़, यू नो दैट इज़ दैट पर्सन्स डिसीजन. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वुमन टू सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड टू सेलिब्रेट एवरी डिफरेंट वुमन अराउंड यू. हर लड़कियों को बहुत शौक होता है गॉसिप वॉसिप करने का, बट इट्स नॉट नेसेसरी, यू नो. लड़कियों को नहीं होता है. Actually, men gossip more. लड़के भी करते हैं. I think put very simply, Women's Day is just a celebration of one of the greatest beings ever to be existed, ever to have existed in on the face of earth. So I think that's why it was started also, the Women's Day. We started also because ki औरतों को उस वक्त काम करने की उतनी freedom नहीं थी, और आज वो freedom है. I think वही एक आई थिंक वो फ्रीडम इज वॉट वी आर सेलिब्रेटिंग, यू नो, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे. बट अच्छा है कि एक दिन है हमारे लिए, व्हाई नॉट. यस, इट फील्स ग्रेट. जैसे कि आपने कहा कि पहले फ्रीडम नहीं थी, अभी ज़्यादा फ्रीडम है. तो आप एक हॉकी टीम में भी रह चुकी है, फिल्म में भी काम कर चुकी है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वुमन को डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है ऐसा काम को लेके, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर इंडस्ट्री में हो? एब्सोल्यूटली यार, डिफ़िकल्टीज़ यार, अब औरत और आदमी की क्या बताऊँ. मतलब मुझे लगता है आदमी को भी फेस करना ही पड़ता है डिफ़िकल्टी. अगर इफ़ यू आर आपका एक होता है टैलेंट होता है लोगों के अंदर, एक होता है आपको टैलेंट को तराशना होता है. तो आई थिंक वो आदमी और औरत के बीच की बात होती है कि आपके अंदर कितना वो जज्बा है चीज़ करने की. बात रही औरत की, एंड आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट येस कुछ चीज़ों में हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है. समटाइम वी हैव टू, हमारे पास एक स्टेप की फाइट ज़्यादा है बस. आई थिंक उसी का एक फ़र्क है. दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसे मीटू के मूवमेंट के बारे में खुल के बोला है, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अभी कम हुआ है जो चला था ट्रेंड को लेके, कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा है? फ़र्क यही पड़ा है, कम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स एक डर बैठा है डेफिनेटली, यू नो, लोगों के बीच में. वो कैजुअल एटीट्यूड इज गॉन, राइट? कैजुअल एटीट्यूड चला गया है और बहुत नॉर्मल हो गया है, यू नो. आप भी मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि मीटू के बारे में, सो वो बहुत नॉर्मल हो गया. वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उससे पहले, यू नो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमेशा ऐसे देखा जाता है कि जब भी एक लड़की आवाज़ उठाती है या एक वुमन अगर वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है, अरे पागल हो गई है, इसको क्या हो गया, यू नो. सो योर अ मैन इज़ ओके टू डिसअग्री. इट्स ओके कि अगर एक लड़का डिसअग्री करता था, पर अगर एक लड़की डिसअग्री करती थी, अगर वो अपनी आवाज़ उठाती थी, पहले तो उसी को गलत समझते थे कि शी इज़ मैड. बट नाउ दैट, थैंक गॉड, इज़ नॉर्मलाइज्ड, यू नो. योर इवन ड्यूरिंग द मी टू मूवमेंट ये हुआ था कि वाई इज शी टॉकिंग, वाई शी, बट पीपल आर टेकिंग हीड, पेइंग हीड टू द फैक्ट कि यू नो इट्स ओके, वो एज एन इंडिविजुअल बोल रही हैं, एंड दैट इज़ बीइंग हर्ड. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी डोंट वॉन्ट यू टू ट्रीट अस बेटर. That's the whole debate about. Yeah. We don't want you. If अगर एक ऐसा misconception है कि यार feminist ये क्या, what is this new thing that they've started, what is this rubbish? It's actually, as we've all discussed, it's बहुत ही पहले चला आ रहा है, just in the limelight right now. So we don't want you to treat us better. We want you to just fair and square. Treat us normally, like equally. You know, we don't want to get off a bus seat. We don't want you to get off a bus seat for us. बस सीट वाला जो है ना, वो सब लोग का ना, I think वही एक तर्क रहता है कि यार लड़कियों को वैसे तो वो है, पर लाइन पे खड़े या बस की सीट छोड़ी. It's not कि हम जो बूढ़े लोग होते हैं हम उनके लिए उठते हैं कि आप बैठ जाओ. We do not. We are not. You know, you using a stick to walk or something. It's just that we are not asking for a seat. हम लोग Pun intended. मैं आपसे भी यही सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आपको कितना डिफरेंस मतलब लगा कि वो मोमेंट जब ट्रेन में चला था, तो चला है, चला है. मीटू मूवमेंट की बात कर रहे हैं. देखिए, हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं. जैसे आई थिंक बहुत सारी बातें इस बारे में हो चुके हैं रिगार्डिंग मीटू, और बहुत सारे खुलासे भी हो चुके हैं. ये बात ज़रूर सही है कि कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा डर आ गया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होता है कि इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स. एंड एक एटमोसफेयर जहाँ पे आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके मेरिट, आपके टैलेंट और आपके कर्म की वजह से आपको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ
that you know you're probably a woman gender or instead yeah. of gender so that's something that I completely adhere to aur yahan pe itni sari baatein hain itne sare you know in charo ne bahut hi kamal ki baatein ki hain I think it's one of the very very because hamare yahan pehli baar aisa ho raha hai ki hum char celebrity guests ko lekar aa rahe hain usually hum ek ke sath hi karte hain but charo ka sath mein aana women's day special conference I know square table conference rectangle so it really adds you know it becomes a very enriching thing for me also because itni sabke alag alag perspective he's already a very enriched person yeah, yeah. but it's so but nice it's so nice to have all these wonderful women they're coming from different backdrops one is a VJ one is has been a sportsman one is has been a dancer one has been a singer sportswoman sorry my bad so it is so amazing to have people you know women especially from varied fraternities as well and varied different point of views and bring something so nice for everyone to learn and enrich themselves and of course four of them inspire people to such a great extent and also I think me too women's day in sab cheezon ke sath ye bhi kehna zaruri hoga for a man like Himanshu to stand up yeah. and you know do something like this it's totally yeah. his brainchild yeah. this is a great I mean not just a message but ye bahut sari you know ladkon ke liye ye ek seekh hai aur ek zindagi jeene ka jo tarika hota hai na it's right here yeah. so seriously you know ki how to coexist and how to yeah. aap chote nahi aap kabhi chote nahi banenge kisi aur ko उनकी काबिलियत के बारे में बता के या फिर अप्रिशिएट करके सो आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ वेरी वेरी बिग मैसेज दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस देखिए हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए ऐसी कौन सी वुमेन जो इंस्पायर करती है मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया और हर वॉक से आप इसके लिए एपिसोड डिफरेंट वॉक से बहुत सारी औरतें हैं जो हमको इंस्पायर करती हैं हमारे देश में इतनी सारी औरतें रही हैं और हमारे घर में हमारे आसपास बहुत सारी औरतें होती हैं तो आई हैव मेंशनड इट माय मॉम एंड सो मेनी वुमेन इन आवर कंट्री सो एक्चुअली फ्रॉम एवरी वन यू लर्न समथिंग यू गेट इंस्पायर्ड बाई एवरी लिटिल थिंग किसी के अंदर कुछ अच्छा देख के आई गेट वेरी इंस्पायर्ड खुश रहो हैप्पी वुमेन्स डे हैप्पी वुमेन्स डे जियो और जीने दो जियो और जीने दो यस हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन सेलिब्रेट फॉर योरसेल्फ सो नाइस